और यहाँ मास्टर क्लास 1 अक्टूबर को तो हो ही रही है, तो वो बड़ी इम्पोर्टेंट है। हाँ। उसमें तो एक तो मैं 2 साल बाद वो क्लास दे रहा हूँ और उन तमाम लोगों के लिए ओब्वियसली वो क्लास बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है जिनके अंदर बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं है, और स्पेशली इन लोगों के लिए मैं क्लास कर रहा हूँ। नहीं लगानी आती मुझे भी नहीं आता, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं। अच्छा, वो समझते हैं कि हम कर ही नहीं सकते। हाँ। और आप बिलीव करें कि ऐसे से मेरे पास स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने सीखा है और माशाल्लाह वो इतने सक्सेसफुल हैं। काशिफ यासिर को भेजूंगी, उसको सिखा दोगे मेकअप? नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत तो इंटरेस्ट तो होना भी चाहिए ना, थोड़ा बहुत 10% हो, 90% तो मैं खुद कर दूंगा उसमें ना। आप अगर 1% भी नहीं है फिर तो बड़ा मसला है ना। काशिफ कहेगा अगली दफा। अच्छा नहीं, कुछ लोगों को शौक होता है, यासिर के साथ ही शो कर रही हो। अच्छा, पता है कुछ लोगों को ना शौक होता है मेकअप का ना, लेकिन उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता, तो उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन है। और ये जो मेरा टैलेंट है, जो हुनर है, ये वैसे बचपन से अल्लाह ताला की तरफ से, मेरी ड्राइंग वगैरह बहुत अच्छी थी। हाँ। तो बहुत क्रिएटिव, मतलब मैं बचपन से तुम्हारा, लेकिन मैंने ये देखा है कि इस प्रोफेशन में ऐसी बहुत ज़्यादा डिजर्विंग औरतें होती हैं। हाँ। जो अपने घर को सपोर्ट करती हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह से मेरे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो अब अपने पूरी फैमिली को सपोर्ट करते हैं। ये मास्टर एक तो सिखाता, मतलब प्रॉपर इंडिविजुअली मैं बहुत कम हूँ, अभी भी जैसे मैं 2 साल बाद सिखा रहा हूँ ना, तो उन तमाम लोगों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है ये क्लास, कि वो जिनको अपना बिजनेस फ्लरिश करना है, जिनको अपना करियर बनाना है, उन तमाम लोगों के लिए कि इजी तरीके से वो किस तरह से वो सीख सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, रजिस्ट्रेशन करा लें फटाफट। और यहाँ अब हम शुरू कर रहे हैं, प्रॉपर आपके सामने एक धुला हुआ चेहरा है, बहुत खूबसूरत कॉम्प्लेक्शन के साथ, इनकी अपनी डस्की कॉम्प्लेक्शन है, अब डार्क सर्कल्स में बड़ा कॉमन कॉम्प्लेक्शन है हमारे पाकिस्तान का, पाकिस्तान में ऐसे। तो इसी कॉम्प्लेक्शन में आपको मतलब कितनी, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि इस तरह का जो कॉम्प्लेक्शन है, इस पे आपने मेकअप कर लिया तो आप हर तरह के चेहरे पे बहुत इजीली आप मेकअप कर सकते हो। अच्छा, सबसे पहले जो है मैं जो है स्किन को जो है हाइड्रेट करने के लिए हाइड्रा स्प्रे है, ठीक है, ये लगा रहा हूँ इसको। ये मेकअप से कितने देर पहले लगाना चाहिए? ये फौरन आप लगा के साथ कर सकते हैं। अच्छा, अब जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रा स्प्रे नहीं है, गुलाब के अर्क का पानी या कोई ऐसी और ऑप्शनल, हां वो कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूट कौन सा आप दे सकते हैं? आप रोज वाटर कर सकते हो। अच्छा, इससे बहुत लेकिन बड़ा अच्छा इंस्टेंट ही ना, बड़ी फ्रेशनेस आ जाती है बिल्कुल ना। हाँ। क्योंकि इतनी ज़्यादा हमें ऑब्वियसली फिर प्रोडक्ट लगानी होती है। ठीक है, ओके। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? अच्छा, इसके बाद जो है ये हल्की सी अभी तो ड्राई लग रही है स्किन ना, वैसे जो है ये ऑयली स्किन है, क्योंकि मैं पहले भी मेकअप कर चुका हूँ तो ऑयल बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, और उसके लिए मतलब ऑयली स्किन के लिए जो है ऑल मैट प्राइमर जो है ये बहुत बेस्ट है। अच्छा, ये ऑल मैट प्राइमर है, अगर किसी की ऑयली जिसकी पसीना आता पसीना, है क्योंकि ये पोर प्राइमर है बेसिकली, ये जो पोर्स हैं उनको भी ये इरेज करता है, और साथ साथ जैसा ऑयल प्रोड्यूस होता है तो उसको भी जो है बहुत कम कर देता है। अच्छा, मतलब अक्सर खवातीन को मैंने देखा है, बेस बड़ी स्मूथ लगती है इससे ना, अक्सर खवातीन को मैंने देखा है वो मेकअप करा के शादी में जाती हैं, उनके ना मसाम ऐसे खुले खुले नजर आते हैं, खासतौर पे लाइट पड़ती है तो वो खूबसूरती ही नहीं आ रही होती, क्योंकि वो आपकी बेस ही नहीं अच्छी बनी ना। नहीं, मसाम उनके खुले हुए होते हैं। हाँ, मतलब नजर बेस उसमें अपने की नहीं ना, सील की नहीं ना, तो अगर यही चीज जो अभी काशिफ इस्तेमाल कर रहे हैं ये बहुत बेस्ट है, ये बहुत ज्यादा, यही अगर आप लगा लें तो आपके पोर्स टाइट हो जाएंगे, जो खुले हुए पोर्स हैं जिनकी आपको प्रॉब्लम है वो टाइट हो जाएंगे, और उसके बाद जो बेस है वो जैसे कहते हैं ना पसीने के साथ बेस चली गई, कहीं गायब हो गई, है ही नहीं, वो नहीं होगी, तो ये इसलिए ठीक है। अब ये क्या नेक्स्ट चीज़ क्या लगा रहे? अच्छा, नेक्स्ट जो है मैं ये लगा रहा हूँ डिलीट डार्क सर्कल्स, ये बड़ा ये एक बहुत ही बेहतरीन चीज़ है, क्योंकि कुछ लोगों को ना मेकअप पसंद नहीं होता, जैसे नॉर्मली कहीं जाना है, ज़रूरी नहीं कि वेडिंग में, नॉर्मली पार्टी होती है या आउटडोर कहीं जाना है, अगर कुछ लोगों के बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल्स बन जाते हैं ना, तो बेस लोगों को लगता है कि बहुत ज़्यादा टू मच हो गया, तो उसके लिए बिल्कुल बेस्ट है आप इसको लगाएँ, और जो है बहुत अच्छी एक तो कवरेज हो जाती है इससे, और काफ़ी लोग जो है डार्क सर्कल्स को कवर करने के लिए जब बहुत सारी चीज़ें जब लगाते हैं तो आपने देखा होगा डार्क सर्कल्स तो कवर हो जाते हैं लेकिन रिंकल्स बन जाते हैं पाउडर की वजह से, तो इसकी जो है ना एक तो बहुत थिन फिल्म है और कवरेज बहुत अच्छी है, और लगते के साथ ये ड्राई हो जाता है और क्रीज बिल्कुल भी नहीं आएगा। अब ये देखें, जैसे मैंने दोनों आईज का हल्का सा डिफरेंस दिखाता हूँ, अच्छा आप ये तरीकाकार भी देखें, कंसीलर लगाना भी नहीं आता लोगों को, कोई और कैमरा एंगल चेंज करें ताकि हम हाथ आ रहे हैं अभी हम दिखा सकें। हाँ, ओके। अच्छा, इसको हल्का सा नीचे से पहले से चाहे स्प्रेड कर दें और ऊपर जो है इसके ओवरऑल पूरे फेस पे ना कॉम्पैक्ट कर दें, जैसे नॉर्मली मैं बात कर रहा हूँ, ओके, किसी को अगर कवर करना है
बहुत ज़्यादा बेस नहीं लगाना। और ये ब्रश से ज़्यादा अच्छी रहेगी, अच्छा है ना? अच्छी, जैसे जैसे लग रहा है ये वैसे वैसे आप देखें ये ड्राई हो रही है ना। हाँ, और बिल्कुल ये नेचुरल सा हो रहा है, देखें। जिन लोगों की स्किन अच्छी है और सिर्फ डार्क सर्कल्स का प्रॉब्लम है उनको तो आई डोंट थिंक सो कि कुछ और नहीं लगाना चाहते। हाँ। बेस नहीं लगाना चाहते, इसको हल्का सा बस नीचे नीचे भले से स्प्रेड कर दें आपने, और इसके पर सिर्फ कॉम्पैक्ट कर दें। हाँ, कितनी फ्लॉलेस स्किन लग रही है, वेरी नाइस। अच्छा, कितना डिफरेंस आप दोनों आंखों में देख सकते हैं, कितना डिफरेंस आ रहा है। डार्क सर्कल्स छुपने की वजह से और ही यंग लग रही है बच्ची। और आप सामने देखें, आपको अभी ये क्रीमी भी नहीं लग रहा होगा। हाँ, बिल्कुल, और सेट हो गया इसकी स्किन के हिसाब से, बिल्कुल स्किन टोन आ गई है, इवन टोन हो गई। अच्छा, इसमें शेड्स हैं काफी सारे। हाँ, दिखाना सब की कॉम्प्लेक्शंस के हिसाब से शेड्स। कितने शेड्स होंगे जैसे तकरीबन? इसमें 6 टू 7 कलर्स हैं इसमें। ओके, एप्लीकेशन। अच्छा काशिफ, देखो कलर्स तो बहुत होते हैं, कलर सिलेक्शन का तरीके कार क्या है? जैसे अब कंसीलर के, हम बेस की बात नहीं कर रहे, कंसीलर की बात कर रहे हैं, ठीक है? अब सबकी अलग है, किसी की थोड़ी येलोइश टोन की स्किन है, किसी की थोड़ी सांवली है, किसी अलग अलग टोन होती है, किसी की ग्रीन होती है, ऐसा ऐसा ऐसे टोन लग रही होती है। तो अब सिलेक्शन का तरीके कार, जैसे मेरे पास भी फाउंडेशन में पिंक अंडर टोन है, तो कुछ लोगों के अगर कॉम्प्लेक्शन देखें पिंक सा होता है तो उसके लिए वो पिंक अंडरटोन ही सही रहेगा, ठीक है? कुछ लोगों का आपने देखा होगा येलो अंडरटोन होता है तो उनके लिए वही, कुछ लोगों का थोड़ा सा ब्राउन पे होता है। तो इसी तरह की जैसे मेरी अपनी, ऑब्वियसली मैंने काफ़ी सारे शेड्स बनाए हुए हैं तो मैंने सारे कलर्स उसी तरह से रखे हुए हैं, तो जिसका अगर अंडरटोन के हिसाब से आपका कॉम्प्लेक्शन अगर पिंकिश पे है तो आप उसी तरह का ही लगाएं। मैं बेस के बारे में नहीं पूछ रही। नहीं, जैसे मेरे मेरे पास करें डार्क सर्कल्स, मेरी अंडरटोन कॉम्प्लेक्शन वो सब अलग है, मेरे डार्क सर्कल्स डार्क है ज्यादा। अच्छा, मैं दिखाता हूँ आपको ना, तो मैं क्या करूँगी, मैं सेलेक्ट कैसे, मुझे कैसे पता चलेगा? अच्छा देखिए, बहुत ज्यादा आपकी डार्क सर्कल्स है ना, आप पहले थोड़ा सा ना, पहले एक पोर जो है अगर बहुत ज्यादा जिनकी ना, वो थोड़ा डार्क लगा लेंगे कलर, ठीक है? ठीक, अगर आप लाइटर लगाएंगे तो वो ग्रे हो जाएगा, ठीक है? पहले आपने ये कर लिया, ठीक है? फिर आपने अपना पूरा फाउंडेशन लगा लिया, ठीक है? फाउंडेशन लगाने के बाद जो है ना, फिर आप लाइटर ही इस कलर को आप लगा सकते हैं, कि पहले जो आपने लगाया डार्क उसने बिल्कुल उसको हाइड कर दिया, कवर कर दिया, क्योंकि इसकी कवरेज भी बहुत अच्छी है डार्क कलर, ठीक है? उसके बाद आपको ये लाइटर लगाना पड़ेगा। तो फिर जो है जिसके बहुत डार्क है वो दो कलर ले ले, ठीक है? और जिसके जरा हल्के फुलके हैं, फिर जैसे आप लोग भी वास खरीदने आए तो आप लोग गाइड भी तो कर सकते हैं। हाँ। आपकी लड़कियां भी ट्रेन की हुई हैं जो सेल करती हैं, वो बताती हैं प्रॉपर्ली ना कि नहीं ये नहीं ये शेड है। देखें, लुक देखें, बिल्कुल थोड़ा सा लगाया था मैंने। हाँ। और ये डार्क सर्कल्स बिल्कुल छुप गए, बिल्कुल साफ हो गया। और अगर आप जैसे बाजार बाजार जाना है कहीं, जरा सा हल्का सा कॉम्पैक्ट लगाया, हल्का सा बिल्कुल लगाना पड़ेगा, अभी मैं नहीं लगा रहा कॉम्पैक्ट, हल्का कॉम्पैक्ट लगाना पड़ेगा, लगाया और निकल गए, वेरी नाइस। अच्छा, सामने दिखने में बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि बहुत ज्यादा कोई मेकअप वगैरह आपने किया हुआ है, जिन लोगों को हाँ नेचुरल लुक पसंद है, आप सामने भी देखेंगे आपको नहीं लगेगा। हाँ। लाइट सही है। अच्छा, ये आईज पर जो है आई मेकअप करना है, क्योंकि मुझे हैवी आई मेकअप करना है, और तो ये इसकी जो है फाउंडेशन कुछ लोग लगा लेते हैं आईज पे, तो फाउंडेशन अगर बहुत थिक है तो जब हम कलर्स लगा रहे होते हैं, आई शीट्स वगैरह लगा रहे होते हैं, तो कुछ लोगों को ये लगता है कि जैसे उनका पैलेट ठीक नहीं है क्योंकि उसके कलर्स अच्छे नहीं आ रहे, तो ये जो प्राइमर है ये भी बिल्कुल लाइट वेट है, कंसीलर है ये, नहीं क्या ये आईशैडो प्राइमर है, आईशैडो प्राइमर ये सिर्फ यहीं पर ही लगेगा, आंख के ऊपर लगता है, आंख के नीचे नहीं लगता है ना? नहीं। हाँ, लोगों को ये भी पता होना चाहिए ना कि प्राइमर जो है वो आंख के नीचे नहीं लगाना, ये इसलिए कि आपके जो शेड्स है ना खूबसूरत आए। नहीं, इसमें भी कलर्स, इसमें भी कलर्स है, आप इसको थोड़ा सा ब्राइट यूज कर रहे हो, लाइट कर रहा हूं क्योंकि कलर जो है मुझे बहुत शार्प यूज करने है। अच्छा, मैं आपसे यही पूछना चाहती थी काशिफ, जैसे आपको आंखों पे जरा शार्प कलर यूज करने, जैसे ग्रीन, ब्लू, रस्ट ऑरेंज, इस टाइप का कोई कलर यूज करना, या मरून, तो आप ज्यादा आपको आंखों के ऊपर थोड़ी व्हाइट बेस देनी चाहिए, तो और अच्छे कलर्स आते हैं ना इसकी वजह से। आई प्राइमर आपकी वो बेसिकली आप एक जो है लेयर डाल रहे हो उसके ऊपर आपने जो है बिल्कुल आपने कलर्स लगाने, तो वो लाइटर ही होना चाहिए, उसमें कोई मसला नहीं, क्योंकि बेस जो है बेस में हम ख्याल रखते हैं कि ज़्यादा लाइटर हो गया तो ऑब्वियसली ग्रे हो जाएगा, यहाँ तो ओवरऑल पूरे कलर्स ही आ रहे हैं, इसलिए
समझे कि एक आप जैसे हम कलर करते हैं, पेंट करते हैं, हमारा एक पेज तैयार कर रहे हैं अपने, हमारे पास 5 मिनट 21 सेकंड रह गए हैं आपके मेकअप का टास्क कंप्लीट होने में, और यहाँ आज थोड़ी सख्ती होगी क्योंकि ग्रैंड फिनाले, तो ज़रा इस बात का ख्याल रखिएगा। सब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बकअप बकअप, जल्दी 5 मिनट 4 सेकंड का टाइम रह गया है। हाँ जी काशिप, नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा? अच्छा अब मैं जो है फाउंडेशन लगा रहा हूँ, इवेंट ऑन हाई कवरेज फाउंडेशन है। अच्छा हाँ। किसी को बहुत ज़्यादा फ्रेकल्स हैं, एक्नी के ऑब्वियसली मार्क्स वगैरह हैं, तो इससे बहुत अच्छा कवरेज हो जाती है। अच्छा एक चीज जो foundation है, फाउंडेशन जरा दिखाएंगे कौन सी वाली इस्तेमाल, आपके पास कितनी किस्म की फाउंडेशन है? फाउंडेशन मेरे पास बहुत सारी है, तकरीबन 5 से 6 हैं। स्टिक भी है, स्टिक भी है, पैनकेक भी है, प्रेस पाउडर्स भी हैं, और जैसे इसकी बहुत थिक कवरेज है, बहुत थिक कवरेज है। हाँ। इससे आप लाइटर में, जैसे मेरा 24 आवर फाउंडेशन है वो है इसमें यहाँ पर। अच्छा वो मुझे लाइटर है, मुझे जवाब दें, अगर आपकी बहुत ही डेडली ड्राई स्किन है कौन सी वाली बेस खरीदें? फिर आप अगर बहुत ज्यादा आपकी ड्राई स्किन है उसके लिए मेरे पास क्रीम फाउंडेशन है। क्रीम फाउंडेशन लगाओगे आप? स्टिक अलग है, क्रीम अलग है? क्रीम अलग है। ओके मैं दिखा देता हूँ वो। हाँ। तो वो जो है वो ड्राई है ही नहीं बिल्कुल भी। अच्छा आप लगाते हो बिल्कुल स्मूथ ड्राई स्किन वाले क्रीम फाउंडेशन लगा लें। अगर किसी की थोड़ी कॉम्बिनेशन स्किन है, लेकिन ब्राइट ना लगाएं उसको, क्योंकि ब्राइट कुछ भी हो जाए लाइट की वजह से और कैमरा हर चीज, फिर वो खराब हो जाती है। नॉर्मली खुद लगाने के लिए क्रीम फाउंडेशन है वो थोड़ी बड़ी उम्र की खवातीन के लिए भी, उनके लिए झुर्रियां होनी है, क्योंकि इस तरह के स्टिक कोई लगा लेती है आपने देखा होगा तो वो बहुत बुरा लगना शुरू हो जाता है, क्योंकि आपके रिंकल्स है वो ज्यादा नजर आना शुरू हो जाते हैं। अच्छा अब वो जो ये जो लिक्विड बेस है ये किस तरह की स्किन के लिए? लिक्विड बेस अगर मैं जैसे अभी ब्राइडल मेकअप कर रहा हूँ तो ब्राइड्स के लिए हमारे वेदर के हिसाब से ऑलमोस्ट सबके लिए ब्राइड के लिए सूट करती है। ठीक है, नॉर्मली अगर किसी को कहीं जाना है मार्केट वगैरह में तब वो उनके पर डिपेंड करता है कि कोई भी आप लाइटर कोई क्रीम फाउंडेशन वगैरह वो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो 8-10 घंटे की जो ऑब्वियसली जो फंक्शंस होते हैं उसके लिए मैं कभी भी एडवाइस नहीं करूँगा, क्योंकि इसका मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। वजह ये कि सबसे मतलब पूरे फाउंडेशन का वो ब्राइडल मेकअप का कि मेरी आपको पता है बहुत बड़ा स्टूडियो है तो मेरी पूरी टीम जाती है वेन्यू पर, वेन्यू के बाद कुछ लोगों का होता है घर में, फिर फोटोशूट्स वगैरह होते हैं तो ब्राइड जो है वहाँ पर भी अक्सर होता है कि वहाँ पर भी फोटोशूट करवा रही होती है। तो अक्सर ये होता है कि मतलब मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मैंने देखा कि मतलब बेस किस तरह से लॉन्ग लास्टिंग, हर तरह की तो ऑब्वियसली स्किन आती है, हर तरह का कॉम्प्लेक्शन आता है, स्किन में ऑयल का मसला है, स्किन अगर ड्राई है तो क्या मसला है, तो लिक्विड फाउंडेशन सबसे बेस्ट है आपको उसको प्रेप करने के लिए। ये वाली क्रीम है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं ड्राई स्किन के लिए, एज ज्यादा है ड्राई स्किन है तो ये क्रीम फाउंडेशन है, आप इसको यूज करें टेक्सचर आपको पता चलेगा। मुझे फील हो रहा है काफी क्रीमी है, क्रीमी है। और वो लोग जिनको लॉन्ग लास्टिंग मेकअप चाहिए उनके लिए स्टिक किसके लिए है? स्टिक टीवी मॉडलिंग के लिए, इस तरह थिएटर वगैरह के लिए बहुत अच्छी है। और जिसको ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा ही टू मच कवरेज चाहिए, अच्छा मतलब बहुत ज़्यादा ही चाहिए, तो वो पहले जो है स्टिक लगा ले, उसके बाद जो है प्रेस पाउडर है उसको वेट करके लगा ले तो वो भी फाउंडेशन खैर अच्छा लगता है। बहुत सारे लोग खाली वो स्टिक लगाते हैं, नहीं पैनकेक, एक जमाना था पैनकेक पानी में मिलाया और लगा, नहीं नहीं वो बुरा लगता है। नहीं नहीं। अच्छा एक मैं खास चीज़ बताऊँ नीता यहाँ पर, अभी जैसे मैं ये फाउंडेशन लगा रहा हूँ टू नंबर ही है। अच्छा ये थोड़ा सा जैसे डार्क है, ऑब्वियसली लाइट्स में जो है ये लाइटर ही आएगा, लेकिन सामने दिखने में अच्छा। इसके साथ जो है ये बहुत अच्छा ये कलर करेक्टर, ये वैसे किसी भी कंपनी में इतना वाइट कलर नहीं है, अक्सर लोगों को ये होता है, ये बता रहा हूँ इसकी स्पेशलिटी क्या है, अक्सर लोगों को ये होता है कि जो बहुत फेयर होते हैं वो अक्सर ये कंप्लेन करते हैं कि हमारा जो है ना मतलब डार्क हो गया कॉम्प्लेक्शन, क्योंकि बेस कुछ भी हो जाए अक्सर ऐसा होता है ऑक्सीडाइज होती है तो वो टैन हो जाती है, तो अक्सर जिनका बहुत टू मच फेयर कॉम्प्लेक्शन होता है तो उनको ये मसला होता है। अब जैसे वो ये यूज़ करते हैं तो खैर मैं डार्क ये मैं टेक्निक बता रहा हूँ, अगर जिसका फेयर कॉम्प्लेक्शन है जैसे मेरे पास अपने काफ़ी सारे कलर्स हैं जैसे सफायर कलर है उनके लिए इस तरह का कलर वैसे बहुत बेस्ट है, लेकिन अगर उनको उसको लाइटर भी करना है तो इस कलर करेक्टर से वो कर सकते हैं। मतलब अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है, हाँ बिल्कुल इससे काफ़ी सारे कलर्स आप बना सकते हो जितना भी आपने इसको लाइटर करना है। तो ये तो आपने एक डार्क शेड लिया उसमें ये मिला है कलर करेक्टर और अब आप इसके ऊपर लगा रहे हैं, तो आप फाउंडेशन की बहुत बड़ी आप रेंज रखें, आप एक दो कलर बेसिक कलर सेलेक्ट कर लें और एक ही कलर करेक्टर ले लें, बस इनफ है। ओके जैसे ये एक आइडिया ये भी है कि आपके घर में जैसे बहनें ज्यादा होती हैं सबकी अलग अलग कॉम्प्लेक्शन होती हैं, आपने एक बेस ले ली और कलर करेक्टर ले लिया तो आप उसके साथ बैलेंस करते रहे।